और इस चैनल पर हम बात करते हैं मेंस लाइफस्टाइल के बारे में, स्टाइलिंग, ग्रूमिंग, फिटनेस, यू नेम इट, वी गॉट इट। और आज हम बात कर रहे हैं आपकी बियर्ड के बाल सफेद क्यों हो जाते हैं। ये वीडियो आइडिया मुझे आया एक्चुअली जब मुझे ये कमेंट आया था, सो यार बियर्ड के बाल सफेद होते क्यों है। देखिए, आपकी बियर्ड की रूट्स में, बियर्ड के फॉलिकल में मेलानोसाइट्स होते हैं जो एक पिगमेंट बनाते हैं जिसका नाम है मेलानिन, राइट। अब मेलानिन इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ योर बियर्ड। अब कुछ फैक्टर्स जिनकी वजह से मेलानिन बनना बंद हो जाता है आपके हेयर फॉलिकल में, तब आपके बाल जो हैं वो सफेद होना शुरू हो जाते हैं। अब फैक्टर्स की बात करें, क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि मेलानिन प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है आपकी बॉडी। फैक्टर नंबर वन इज जेनेटिक्स, राइट। अगर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो देर आर चांसेस कि आपकी बियर्ड के बाल सफेद होंगे एक पर्टिकुलर टाइम। फैक्टर नंबर टू इज पोल्यूशन। अब पोल्यूशन आजकल इतना ज्यादा है, पोल्यूशन डेफिनेटली एक बुरा इफेक्ट डालता है आपके बालों पर, आपकी ओवरऑल हेल्थ पर एक्चुअली, एंड आपकी बियर्ड हेल्थ भी उसमें आती है। सो पोल्यूशन। फैक्टर नंबर थ्री इज स्मोकिंग। स्मोकिंग इज डायरेक्टली लिंक्ड आपके बाल सफेद होने से, चाहे वो सर के बाल हो या चाहे बियर्ड के बाल हो। अगर आप स्मोक करते हैं, एक्सटेंसिवली स्मोक करते हैं, तो इट विल डेफिनेटली हैव अ बैड इफेक्ट ऑन योर बियर्ड। स्ट्रेस इज द नेक्स्ट फैक्टर। स्ट्रेस बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आपके बाल सफेद होते हैं, ओवरऑल हेल्थ सफर होती है एक्चुअली। सो स्ट्रेस, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, स्पेशली द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज आपकी बालों की और स्किन की हेल्थ के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू बी इन प्लेस। अब बात करते हैं जो बाल ऑलरेडी सफेद हो गए हैं, क्या उनको रिवर्स किया जा सकता है, क्या कोई तरीका है जिससे उनको काला किया जा सकता है नेचुरली। तो उसका आंसर है नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। आपकी बियर्ड के जो बाल सफेद हो गए हैं, देयर इज नो वे कि वापस आपके हेयर फॉलिकल में मेलानिन बनना चालू हो जाए। जो बाल सफेद हो चुके हैं वो रिवर्स नहीं हो सकते। क्या इसका कोई क्योर है, क्या कोई तरीका है कि इस प्रोसेस को स्लो डाउन किया जा सके, जो हेयर ग्रोइंग है उसकी स्पीड कम की जा सके? जी हाँ, ये हो सकता है नंबर वन सॉल्यूशन, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर अकॉर्डिंग टू मी जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऑब्वियसली पोल्यूशन एंड जेनेटिक्स पे हमारा कंट्रोल नहीं है, बट सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर जिस पर हम कंट्रोल ला सकते हैं वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बुरा होता है, एंड अगर आप स्ट्रेस अच्छे से मैनेज कर सकें तो वो आपकी ओवरऑल हेल्थ प्लस डेफिनेटली आपकी बियर्ड हेल्थ पे भी बहुत अच्छा फर्क डालेगा। सो ट्राई एंड मैनेज स्ट्रेस। और इसका सबसे पहला स्टेप ये कर सकते हैं आपकी, यू कैन स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, बिकॉज स्टडीज हैव शोन कि जो लोग वर्कआउट करते हैं उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है कंपेयर टू द पीपल हु डोंट वर्कआउट। सो अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट वर्किंग आउट। स्ट्रेस मैनेज करने का ये सबसे पहला और बेसिक तरीका है, स्टार्ट वर्किंग आउट एंड आई गारंटी आपका स्ट्रेस कम होगा। देन द नेक्स्ट सॉल्यूशन इज स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फूड्स, न्यूट्रिएंट रिच फूड्स, स्पेशली मिनरल्स लाइक जिंक। जिंक रिच फूड्स खाइए, बिकॉज जिंक और आपके हेयर फॉलिकल का डायरेक्ट कनेक्शन है। थोड़ी रिसर्च कीजिए, फाइंड आउट जिंक रिच फूड्स एंड स्टार्ट हैविंग देम। बाकी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कोई ऑयल लगाने से, कोई सीरम लगाने से या कोई मेडिकेशन लेने से आपकी बियर्ड की जो ग्रेइंग है वो स्लो डाउन हो जाएगी या बंद हो जाएगी, या आपके बाल जो हैं जो सफेद हो चुके हैं वो काले हो जाएंगे, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सकता। यू कैन डेफिनेटली स्लो इट डाउन, यू कैन स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, मेडिटेटिंग, स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फूड्स एंड स्ट्रेस मैनेज कीजिए थोड़ा सा। दिस इज हाउ यू कैन स्टॉप द बियर्ड ग्रोइंग और एटलीस्ट स्लो इट डाउन, राइट। सो ओवरऑल एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए, स्ट्रेस से दूर रहिए। दिस इज द वे टू मेंटेन एन हेल्दी बियर्ड। सो दैट्स इट गाइस, दिस इज इट फॉर द वीडियो, दिस इज ऑल आई हैड टू से अबाउट द टॉपिक। I hope you like the video. If you did, don't forget to give it a thumbs up. और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, then don't forget to subscribe because we post a lot of videos like this on men's lifestyle, styling, grooming, fitness, you name it, we got it. Hope to see you on the other end. In the meanwhile, this is VK signing off, guys. Bye bye. Take care.